कुल मिलाकर एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई कि सभी लोग ये मानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आने वाली है, मोदी जी चुनकर आने वाले हैं, और इसलिए सबको एक साथ मिलकर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। इसकी स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं। साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस ये श्रिंक होने वाली पार्टी है और इसलिए कांग्रेस को छोड़कर ये अलायंस हमको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हमको साथ लिए सिवा ये हो नहीं सकता। तो पहले आपस में तय कर ले, कांग्रेस मुक्त विपक्ष बने या कांग्रेस को साथ में लेकर विपक्ष बने, ये सारे प्रयोग 2019 में हो गए। उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ। आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में भी इससे अलग कुछ नहीं होगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।